हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ फरेरो रोशर चॉकलेट के अंदर यूज होने वाली शेल्स को बिना किसी सिलिकॉन मोल्ड के ही घर में आसानी से बनाने का वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये शेल्स काफी क्रिस्पी और क्रंची बनकर के तैयार होती है। इनसे आप जब मन चाहे फरेरो रोशर चॉकलेट बना करके एंजॉय कर सकते हैं। ये शेल्स आसानी से हर जगह नहीं मिल पाती हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी की रेसिपी शेयर की जाए, ताकि इसको बना करके आप अपनी चॉकलेट बना सके। तो बहुत ही अमेजिंग सा वीडियो है, इसे एंड तक देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे 3/4 कप हमारा ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा, जिससे हम केक वगैरह बनाते हैं। अब हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर करके पिसी हुई चीनी का पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहें तो आइसिंग शुगर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर 3 टेबलस्पून भर करके बटर डालेंगे। बटर आपका रूम टेम्परेचर पर ही होना चाहिए, मेल्टेड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब हम बटर डालने के बाद इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि बटर मैदे में अच्छे से मिल जाए। जब बटर अच्छे से मैदे में मिल जाएगा, तो आपको कुछ इस तरीके का ड्राई मिक्सचर मिलेगा। अब हम इसके अंदर एकदम ठंडा दूध ऐड करेंगे। पहले हम 2 से 3 चम्मच डालेंगे, अच्छे से उसे मिक्स करेंगे और जरूरत के हिसाब से और ठंडा दूध लेंगे और इसका एक सॉफ्ट आटे जैसा डो तैयार कर लेंगे। आपको दूध थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है और दूध आपको एकदम ठंडा यानी कि चिल्ड फ्रिज में रखा हुआ ही लेना है। ऐसा करने से आपके जो शेल्स बनेंगे वो काफ़ी क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। तो देखिए, मैंने सॉफ्ट सा आटा जो है गूंद करके तैयार कर लिया है। आपके शेल्स जो है वो लंबे समय तक क्रंची रहे, उनके अंदर क्रिस्प बना रहे, उसके लिए हम इसे किचन की क्लिंग रैप में रैप करके इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रेस्ट होने के लिए रख देंगे। ऐसा करने से हमारे शेल्स बहुत ही अच्छे तैयार होंगे। तो मैंने 1 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रखा था और हमारा जो ये डो है, आटा है, वो अच्छे से ठंडा हो गया है और हमें बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। अब हम इसे खोल लेंगे और इस मिक्सचर के 2 भाग कर लेंगे और एक एक करके हम इसे बेलेंगे। फ्रेंड्स, ये आटा है, थोड़ा चिपकता है, तो यहाँ पर मैं बटर पेपर की हेल्प ले रही हूँ। बटर पेपर के ऊपर रख करके हम पहले तो थोड़ा हाथों से इसे स्प्रेड कर देंगे और फिर दूसरी साइड बटर पेपर की इसके ऊपर रख करके हम बेलन से इसे अच्छे से रोल कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना। जैसे हम घर में चपाती या रोटी बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमको ये बेल लेना है। बटर पेपर की मदद से हमारा काम आसान हो जाएगा। तो देखिए, इसे हमने अच्छे से बेल लिया है। अब हम इसके छोटे छोटे राउंड सर्कल्स कट करेंगे। तो अगर आपके पास कोई कटर है राउंड शेप का, तो आप वो यूज़ कर लीजिएगा, नहीं तो इस तरीके का कोई भी कटोरी या ढक्कन यूज़ कर सकते हैं। मैं ये एकदम छोटा सा राउंड ग्लास यूज़ कर रही हूँ, जिसे मैं अपने बच्चों के लिए यूज़ करती थी और इसकी शेप एकदम परफेक्ट आई है। तो मैंने देखिए सभी को राउंड शेप में कट कर लिया है, ये देख सकते हैं आप। और आज की शेल्स फ्रेंड्स, जैसा मैंने बताया, हम बिना मोल्ड के बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं अपना छोटी इडली वाला स्टैंड यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर जो गैप है, उसी की हेल्प से आज हम अपनी ये शेल्स बनाएंगे। तो एक एक राउंड सर्कल को हम इन कैविटीज़ के अंदर इस तरीके से सेट करेंगे। हाथों से इसे प्रेस करते हुए हम पूरी स्पेस को कवर कर लेंगे इस तरीके से, ये देख सकते हैं आप। और इसी तरीके से हम सारे राउंड सर्कल्स को इनके अंदर सेट कर लेते हैं। तो जिन लोगों के पास सिलिकॉन का मोल्ड नहीं होता, वो आराम से अपने इस इडली स्टैंड के अंदर इन शेल्स को बना सकते हैं। तो देखिए, धीरे धीरे करके मैं सभी के अंदर ये राउंड सर्कल सेट कर देती हूँ, ये देख सकते हैं आप। इससे बहुत ही बढ़िया हमारे शेल्स में शेप आ जाएगी। तो ये तो हमारे रेडी हो गए हैं फ्रेंड्स, और इसी तरीके से मैं बाकियों में भी सेट कर लूंगी। ये हमारे शेल्स फूले नहीं, क्रिस्पी रहे, क्रंची बने रहे, उसके लिए हम टूथपिक से इसे प्रिक कर देंगे यानी कि इनके अंदर चेक कर देंगे। आपके पास टूथपिक ना हो, तो आप घर में जो कांटा चम्मच होता है यानी कि फॉर्क होता है, उससे भी इसके अंदर चेक कर सकते हैं। तो बचे हुए आटे से भी मैंने सारे ये राउंड सर्कल तैयार कर लिए हैं और इन्हें इडली स्टैंड के अंदर रख दिया है। अब हम जैसे अपने इडली को बनाने के लिए स्टैंड को सेट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम रख लेंगे और इसे अब हम बेक करेंगे। तो बेक करने के लिए मैंने अपने ओवन को 180 डिग्री पर पहले से ही प्रीहीट होने रख दिया है। ये अच्छे से गर्म हो गया है और इस इडली स्टैंड को हम इसके अंदर रख करके केवल 10 मिनट के लिए ही बेक करेंगे। ध्यान रखिएगा, ज़्यादा आपको बेक नहीं करना है, नहीं तो इनका कलर जो है वो डार्क गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। हमें बिल्कुल लाइट कलर ही चाहिए, जो कि 10 से 12 मिनट में आराम से आ जाएगा। ठंडा होने के बाद आप इन्हें बाहर निकाल लीजिएगा। ये देखिए, कितने बढ़िया हमारे शेल्स बन करके तैयार हुए हैं। तो ये पूरी तरीके से ठंडे हो गए हैं और फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसानी से बाहर आ जाते हैं। तो मैं इन तीनों को अच्छे से खोल लेती हूँ। हल्के गर्म में तो फ्रेंड्स ये सॉफ्ट होते हैं, पर जैसे ही ये ठंडे होंगे, ये आराम से क्रिस्प और क्रंची हो जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही प्यारा सा कलर आया है।
देखिए कितने आराम से बाहर आ रहे हैं, तो मैंने और अच्छे से ठंडा कर लेती हूँ और फिर उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। तो ये पूरी तरीके से ठंडे हो गए हैं और प्लेट में डालने की आवाज़ से ही आप समझ पा रहे होंगे कितने क्रंची और कितने क्रिस्पी बन करके तैयार हुए हैं। देख सकते हैं आप, सभी की एकदम परफेक्ट शेप है। मैं अभी आपको इसे तोड़ करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया इसकी क्रिस्प आवाज़ आई है। ये देखिए बहुत ही शानदार हमारी ये शेल्स बनी है। आप चाहें तो फ्रेंड्स इससे फरेरो रोशर चॉकलेट बनाएं, नहीं तो इन्हें बच्चों को ऐसे भी खाने के लिए दे सकते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगी कि इसे कैसे आप फरेरो रोशर चॉकलेट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इनकी कुछ जो कॉर्नर्स हैं वो बिल्कुल इवन नहीं है। ये देख सकते हैं कुछ में गैप्स बन रहा है। तो इस गैप को परफेक्ट बनाने के लिए हम चाकू की मदद से इसके कॉर्नर्स को थोड़ा सा रब कर देंगे, यानी कि घिस देंगे, जिससे कि इनके कॉर्नर जो है वो एक जैसे हो जाएंगे, एकदम स्मूथ हो जाएंगे। और जब हम दो आपस में शेल्स को मिलाएंगे तो वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे। तो देखिए मैंने इन्हें घिस लिया है। अब मैं आपको दो शेल्स को आपस में मिला करके दिखाती हूँ। ये देखिए जब हम आपस में इन्हें मिलाएंगे तो अच्छे से बंद हो रहे हैं। और इसी तरीके से मैं बाकी की सभी शेल्स को अच्छे से कॉर्नर से स्क्रैच कर लेती हूँ। आज तो फ्रेंड्स मैं आपको ये शेल्स ही बनाना सिखा रही हूँ। जल्दी अपने चैनल पर मैं आपके साथ फरेरो रोशर चॉकलेट को बनाना भी शेयर करूंगी। तो देखिए सभी शेल्स को मैंने परफेक्ट तरीके से कट कर लिया है। और अब मैं आपको बताती हूँ इसे चॉकलेट के अंदर कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आपको इस तरीके से एक शेल लेनी है और घर में अगर आपके रखा हुआ है न्यूटेला तो आप वो पाइपिंग बैग में भर लीजिएगा, नहीं तो आप घर में भी न्यूटेला बना सकते हैं। उसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, तो आप वो देख लीजिएगा। अब हम इसके अंदर आलमंड या फिर अगर आपके पास हेजलनट है तो वो रख देंगे और दूसरी शेल से इसे परफेक्ट तरीके से क्लोज कर देंगे। तो न्यूटेला के ड्राई होने पर ये आपस में चिपक जाएंगी। लेकिन अगर आपके पास फ्रेंड्स न्यूटेला ना हो, आप बना भी नहीं सकते हो, तो आप मेल्टेड चॉकलेट भी इसमें यूज कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप सारी शेल्स को बना लीजिएगा और फिर इससे चॉकलेट। तो आई होप फ्रेंड्स जिन लोगों को फरेरो रोशर चॉकलेट खाना या बनाना पसंद आता है लेकिन शेल्स की वजह से वो इस रेसिपी को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, उनके लिए तो ये रेसिपी काफ़ी यूजफुल रही होगी। आज मैंने आपको बिना मोल्ड के ही ये शेल्स बनाना सिखाया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये थोड़ा भी यूजफुल और हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे पहले से ही सब्सक्राइबर हैं तो साइड में दिया गया बेल आइकन दबाइएगा। आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगी आप सभी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।